सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के घर, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। शिकारी देखो बिल्व वृक्ष पर करने को शिकार। शिव चौदस की पावन वह रात थी, अनजाने में हुआ प्रहर पूजा संस्कार। हुए बाबा प्रकट, बोले मांगो वर, दर्शन कर शिकारी को हो आया वैराग्य ज्ञान। कर बध कर वो बोला हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बाबा उसके सहारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले द्वारे सब दुख कटे। नाम है पठानकोट से ठीक 20 किलोमीटर दूर रणजीत सागर डैम गांव डूम के बीच में स्थित है। ये पांडव ने वनवास के जो लास्ट पीरियड था 12 वर्ष का, आपको मालूम है कि पांडव 12 वर्ष जो वनवास काटे थे उन्होंने पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण किया था और जहाँ जहाँ रुकते गए कोई न कोई नई चीज़ें बनाई। जैसे इसको मिनी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पांडवों ने 5 गुफाओं का निर्माण किया, भगवान शिव की जागृति की और भगवान शिव से विजय होने का वरदान प्राप्त किया। ये जो पिंडी देख रहे हो ये पांडवों का हाथों का स्थापना है। ये पांडवों ने अपने जहाँ पर भगवान शिव ने दर्शन दिया था वहीं ये लोगों ने पिंडी स्थापना कर दी। इसका नाम ईश्वर धाम है। यहाँ जो भी चीज़ें बनी हुई हैं नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे द्रौपदी मैया की रसोई है, धर्मराज जुस्त्र महाराज का दूना है, पांडव का हाथों का शिवपिंडी स्थापना है, 9 देवियाँ हैं, नंदी महाराज है, भैरव बाबा है और माता जी हैं। बाहर भी 2 गुफाएं हैं, अर्जुन की एक इंद्रिय सिंह की, जो बैक साइड जो गुफा थी ना कुशहदेव की जो डैमनों ने मलबे के नीचे दबा दिया, जो डबल थी 5 भाइयों को 5 गुफाएं थी, अभी 3 ही मौजूद है। यहाँ पर सबसे बड़ा कार्य ये है कि सुबह 10 बजे लंगर शुरू होता है और रात के 10 बजे तक लंगर चलता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। नेचुरल चीज़ें हैं, ये रावी मैया चरणों में बह रही है जो मणि में से शिव जी के चरणों से आ रही है। इसका पानी देखा होगा आपने कितना ठंडा है,
लेकिन जब आप सर्दी में आएंगे तो इसका पानी गर्म हो जाएगा, आप आके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हर एक भाइयों का अलग अलग कक्ष है, पूजाओं यहाँ इकट्ठे होते थे। ये धर्मराज जी का दूना है, शास्त्र के हिसाब से पहला सन्यासी वही बने। यहीं पर जो भी कंदमूल उनके टाइम होता था वो खाते थे। और यहाँ पर वो लोगों ने बड़ा हरिद्वार का निर्माण किया था, लेकिन बन नहीं सका, इसीलिए इसे छोटा हरिद्वार कहते हैं, मिनी हरिद्वार। ये मिनी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ अस्थियाँ भी प्रोवाइड करते हैं, पितरदान भी करते हैं, और यहाँ पर हर एक स्नान होता है। यहाँ पर गौर त्याग के गायत्री जाप भी कराई जाती है। यहाँ पर गठमूल की भी पूजा होती है, काल सर्वयोग की भी पूजा होता है। और सबसे बड़ा बात है कि जो एक शिवपिंडी है भगवान शंकर का, जिसका नाम मुक्तेश्वर है, यहाँ के नाम से, यहाँ के दर्शन से हर एक पाप से मुक्ति मिलता है। जय भोलेनाथ की, जय मुक्तेश्वर धाम की। और जो हमारी कमेटी है, जो रजिस्टर है, जो इसकी देखभाल, जो भी लंगर पानी का जो भी सुविधा है भंडारे का वो कर रही है, उनसे भी बाहर आप बात कर सकते हैं। जय भोलेनाथ।